अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं वो, उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है, लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को, शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है टॉप लेवल पे, जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के दया की भीख मांग रही है, किसी के कानों में अब तक रू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। बजरंग पूनिया को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बजरंग पूनिया ने, उन्होंने जो है कॉल पर ये बात कही कि उनको लड़की चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है, जबकि बजरंग पूनिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बजरंग पूनिया लगातार दिल्ली पुलिस सहित बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग पूनिया ये कह रहे हैं कि वो तमाम अवार्ड मेडल को सरकार को सौंप देंगे। ऐसे मेडल और ऐसे अवार्ड का क्या फायदा जब खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को ध्यान ही नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर बजरंग पूनिया एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। लगातार विनेश फोगाट, साक्षी मलिक तमाम लोगों का साथ देते यहां पर बजरंग पूनिया ने यह बात कह दी है कि बीजेपी सरकार उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। आखिर क्या कुछ कहते हैं बजरंग पूनिया, आप खुद ही सुनिए। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं वो, उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है, लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को, शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है टॉप लेवल पे, जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के दया की भीख मांग रही है, किसी के कानों में अब तक रू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं, तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आई थी, उन्होंने पूछे, उन्होंने वही क्या, हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए आईओए अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप कुछ सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दिया है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर अपने बयान वापस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, मिस वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, भाई तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर? भैया सुनो सुनो, पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिला दो, हम कौन से, हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग, अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीति मुद्दा करते हैं क्या? अकेले क्यों ले, बैठ क्यों ले, अलग अलग आदमी सब लगते हैं। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम आईटी सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम आईटी सेल एक्टिव हो गई थी।
बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, आईटी सेल वाले ने कुछ और बोल दिया, उनके लोग तो भी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या घुस रहा था, रात को एक आदमी इधर घुस रहा था, जैसे कुछ सामान लेके भागा इधर से, जैसे मैं बोली कि अब रुको रुको रुको, वो भाग लिया स्पीड से उधर से हमारे थे। अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था उसमें, वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था, वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से बजरंग पूनिया जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। साथ में मेडल को लौटाने की बात कर दी, तमाम जो सरकार की तरफ से उनको पुरस्कार दिए गए उनको लौटाने की बात कर दी, ये कह दिया कि उनको ऐसे मेडल और ऐसे पुरस्कार नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग खेल की दुर्दशा की बात करें तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खिलाड़ियों को जो है प्रोटीन नहीं मिल रहा है, खिलाड़ियों का एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत देश में खेल की हालत जर्जर हो चुकी है। अब देखना यह पड़ेगा कि बजरंग पूनिया के इस बयान को सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।